गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस समय हम लोग, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड की जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और मैट्रिसेस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को कर रहे थे, लास्ट क्लास में भी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 11 नंबर एग्जाम्पल्स से ले करके और 15 नंबर एग्जाम्पल तक सॉल्व किए थे। आप सभी लोग अगर बुक्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके अभी 19 नंबर्स तक हैं। तो आज हम लोग उससे आगे के एग्जाम्पल्स, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 11 से 15 तक के एग्जाम्पल्स सॉल्व किए, इसलिए आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के एग्जाम्पल्स 16 to 19 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल नंबर 16 है। मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। लिखा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1, 2, 0, 3, 3 माइनस 1, 2। अगर मैं रो वाइज एलिमेंट्स को देखता हूं तो एक मैट्रिक्स ए गिवेन है आपको, एक मैट्रिक्स आपको यहां बी गिवेन है देखो, और तीसरी मैट्रिक्स आपको सी भी दी गई है आपके क्वेश्चन में। तो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, थ्री मैट्रिसेस आर गिवेन इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जाम्पल नंबर 16। आगे लिखा हुआ है, फाइंड ए इंटू बी सी कॉमा ए बी इंटू सी एंड शो दैट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। आपको उन्होंने बोला कि आपको ए इंटू बी सी फाइंड आउट करना है, फिर आपको ए बी इंटू सी फाइंड आउट करना है, और इसके बाद ये भी शो करना है कि जो ए बी इंटू सी की वैल्यू होगी वो ए इंटू बी सी की वैल्यू के इक्वल आएगी। बस इतना सा काम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए इंटू बी सी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद ए बी इंटू सी को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम दोनों को देखेंगे कि क्या वाकई में दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ए इंटू बी सी निकालने चलूंगा। तो देखिए, ए इंटू बी सी के लिए आपको पहले बी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले अब मैं इसका ऑर्डर देखो यहां पर नोट कर देता हूं, उससे हमको पता चलेगा। जैसे बी का ऑर्डर आप देखेंगे, 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 3 into 2 का ऑर्डर इसका, इसमें 3 रोज हैं बेटा और 3 कॉलम्स हैं, तो 3 into 3 का ऑर्डर इसका, इसमें आपकी 2 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, मीन्स 2 into 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है सी हमारी। अब सबसे पहले जब मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करने चलता हूं तो मुझे चेक कर लेना चाहिए बी में कॉलम्स का नंबर, तो बी में कितने कॉलम्स हैं, 3, सी में रोज का नंबर। आप देखें, सी में आप बी सी करना चाहते हैं तो सी में रोज का नंबर 2 है। ओ आई एम सॉरी, मुझे बी में कॉलम्स देखने चाहिए, आई एम सॉरी, ये बी है, ये ए है, तो बी में कॉलम का नंबर 2 है, सी में रोज का नंबर भी बेटा 2 है। इसका मतलब मैं बी और सी दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो फिर अब बी इंटू सी करने थे, सबसे पहले निकालेंगे हम बी की वैल्यू, देखो क्या है, 1, 3, 1, 3, 0, 2 और -1, 4, ये बेटा बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू वहां से नोट करेंगे, 1, 2, 3, -4, 1, 2, 3, -4, नीचे जो सेकेंड रो है आपकी वो 2, 0, -2, 1 है, 2, 0, -2, 1, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लीकेशन में आपको याद होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को उठाएंगे, बाकी सेकेंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम से उसी तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ये फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा।
इसके बाद फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया जाएगा, तो वन को टू से करेंगे टू आएगा, थ्री को जीरो से करेंगे तो बेटा ये जीरो हो जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम से करना है, थर्ड कॉलम से करना है अभी मुझे, तो वन को थ्री से करेंगे इट विल बिकम थ्री, और थ्री को माइनस टू से करेंगे बेटा तो ये माइनस सिक्स आ जाएगा। ओके, अब इस फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, वन को माइनस फोर से करेंगे माइनस फोर, थ्री को वन से करेंगे तो थ्री हो जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट रो को तो मैंने जितने कॉलम्स थे सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकेंड रो की बारी आ गई है, इससे मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट कॉलम को, जीरो इंटू वन दिस विल बिकम जीरो प्लस टू इंटू टू बिकम फोर, जीरो टू को टू जीरो से मल्टीप्लाई करिए दिस इज जीरो प्लस जीरो, जीरो को टू से जीरो, टू को जीरो से जीरो, जीरो टू को थ्री माइनस टू से, जीरो को थ्री से मल्टीप्लाई किया दिस इज जीरो, एंड टू को माइनस टू से करेंगे दिस इज माइनस फोर। इसी रो को लास्ट कॉलम से करेंगे, जीरो को माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम जीरो, एंड टू को वन से करेंगे दिस इज टू। अभी लास्ट वाला रो बचा हुआ है, इस रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, हम देखिए तो इस रो को फर्स्ट कॉलम से, माइनस वन को वन से किया माइनस वन, फोर को टू से कर देंगे तो एट आ जाएगा। अब इसको सेकेंड रो से करिए, माइनस वन को टू से करेंगे माइनस टू, फोर को जीरो से कर देंगे तो जीरो, फिर माइनस वन को थ्री से करेंगे माइनस थ्री, फोर को माइनस टू से कर देंगे माइनस एट। इसके बाद माइनस वन को माइनस फोर से करेंगे प्लस फोर हो जाएगा बेटा, और फोर को वन से करेंगे तो फोर हो जाएगा। अब इसे और कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा आप जरा, बी सी इज इक्वल टू, आप देखें वन सिक्स सेवन आ जाएगा यहाँ पर, टू प्लस जीरो दिस विल बिकम टू, थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री बेटा ये माइनस वन हो जाएगा, जीरो प्लस फोर जीरो, सॉरी आई एम सॉरी फोर आएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस फोर माइनस फोर, जीरो प्लस टू दिस इज टू, माइनस वन प्लस एट दिस इज अगेन सेवन, माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू, माइनस थ्री माइनस एट माइनस एलेवन, एंड फोर प्लस फोर एट। आप देखो इसका और इसका जब मल्टीप्लाई होगा थ्री इंटू फोर की मैट्रिक्स आपको मिलनी चाहिए, तो आप देखें थ्री रोज और फोर कॉलम्स हैं तो थ्री इंटू फोर की मैट्रिक्स हमको मिल भी गई है। तो ये बी सी निकाल पाए, अभी हम ये बी सी निकाल पाए। अब बी सी में मेरे को ए से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, नाउ ए इंटू बी सी। अब पहले ये देखना है कि ए और बी सी का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी सी में नंबर ऑफ रो देखने हैं। ए में नंबर ऑफ कॉलम थ्री है, आई एम सॉरी, ए में नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री हैं और बी सी में नंबर ऑफ रोज भी थ्री हैं, इट मींस दोनों का मल्टीप्लीकेशन इजिली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू बेटा मैं यहां पर लिखता हूं, सबसे पहले ए इज वन वन, दिस इज माइनस वन, टू जीरो थ्री, थ्री माइनस वन टू। इसके बाद इसको मैं बी सी की वैल्यू मुझे लिखना है बेटा, ये बी सी की वैल्यू है सेवन टू माइनस थ्री माइनस वन, फोर जीरो माइनस फोर टू, सेवन माइनस टू माइनस एलेवन एट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ओके, तो फिर से वही प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन का, तो वही प्रोसेस रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करिएगा आप, यहां पर मैं लिखता हूं आप देखें, सबसे पहले फर्स्ट रो को लेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को सेवन से करेंगे सेवन, इस वन को फोर से किया फोर, माइनस वन को सेवन से करेंगे माइनस सेवन। अब इसी रो को मैं इस सेकेंड कॉलम से करूंगा, वन को टू से करेंगे टू, वन को जीरो से करेंगे बेटा जीरो, माइनस वन को माइनस टू से करेंगे दिस इज प्लस टू। अब इस रो को मैं थर्ड कॉलम से करूंगा, वन को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बिकम माइनस थ्री, वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर, माइनस वन इंटू माइनस एलेवन दिस इज प्लस एलेवन। अब इस रो को लास्ट कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं वन को माइनस वन से करेंगे माइनस वन, वन को टू से करेंगे टू हो जाएगा, और फिर माइनस वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट आ जाएगा।
अब हमने फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स यहाँ पर थे उन सब में मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब इसका सेकेंड रो लेंगे और उनको बाकी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेकेंड रो है, अब इस सेकेंड रो को इस कॉलम से पहले करेंगे। तो 2 को 7 से करेंगे 14, 0 को 4 से करेंगे 0, 3 को 7 से करेंगे 21। अब सेकेंड कॉलम से 2 को 2 से करेंगे 4, 0 को 0 से करेंगे 0, 3 को -2 से करेंगे -6। ओके, अब इस रो को थर्ड कॉलम से करना है, तो 2 को -3 से करिए -6, 0 को -4 से करिए 0, 3 को -11 से करिए -33। 3 को -11 से करेंगे ना, तो 11 3 33 -33। अब इसे लास्ट कॉलम से करिए, 2 को बेटा -1 से करेंगे, दिस इज -2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 0, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब सेकंड वाली रो का भी सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। नाउ इट इज टाइम टू मल्टीप्लाई द थर्ड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद ऑल द कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स वन बाय वन। ओके, तो इस रो को पहले इससे करिए, तो 3 7 21, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। दिस इज 3 7 21, -1 को 4 से करिए -4, 2 को 7 से करेंगे 2 7 14। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 6, -1 को 0 से करेंगे 0, 2 को -2 से करेंगे -4। अब इस रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 3 को -3 से करेंगे -9, -1 को -4 से करेंगे +4, 2 को -11 से करेंगे -22। अब इस रो को लास्ट कॉलम से करेंगे, तो 3 को -1 से करेंगे, दिस इज -3, -1 इंटू 2 दिस इज -2, 2 इंटू 8 दिस इज 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इनके जो नंबर्स आएंगे आप देखें बेटा, यहाँ +7 -7 कैंसिल हो गया, यहाँ मुझे 4 मिलेगा। देखिए दिस इज 2 प्लस 2, दिस इज अगेन 4। यहां पर आप देखें -3 -4 -7, और 11 में 7 माइनस हो जाएंगे, दिस इज ऑल्सो 4। आप देख सकते हैं -8 and -1, -9 प्लस 2 दिस इज -7। यहां पर देखिए 14 और 21 ये मिला के 35 हो जाएगा, 4 -6 -2 हो जाएगा, -6 -33 -39, -2 plus 24 दिस विल बिकम 22। यहां पर देखें तो आप पाएंगे कि 14 में 4 चले गए 10, 10 और 21 दिस इज 31, 6 -4 2 आएगा। आप यहां पर देखेंगे तो -22 -9 -31 plus 4 करेंगे तो -27। ये -5, 16 में 5 माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। ये a इंटू bc की वैल्यू आ गई, और ये मैट्रिक्स आया हमारा 3 × 4 ऑर्डर का, और ये वैल्यू भी आ गई किसकी, a इंटू bc की। अभी मैंने इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली है, अब मुझे ab इंटू c की वैल्यू निकाल के लानी है। तो उसके लिए पहले मुझे ab फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो ए बी की वैल्यू आएगी फिर उसमें मैं सी से बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब उसको बाद में रख के मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं ए बी को करूंगा पहले, फिर सी को पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, उसको बाद में रख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी क्या देखना है, चलिए चलते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। पहले ए बी निकालेंगे, ए और बी में, ए बी में चेक कर लें पहले मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, बी में नंबर ऑफ रोज 3 हैं, इट मीन्स ए बी एग्जिस्ट होता है, और अगर ए बी एग्जिस्ट होगा तो फिर सो करते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं, तो ए बी पहले निकालेंगे इस बार, पिछली बार में हम पहले बी सी निकाले थे, अब ए बी निकालेंगे। देखो पहले ए की वैल्यू नोट करेंगे, तो ए की वैल्यू 1 1 -1 1 1 -1
फिर 203 आएगा, 203 आ जाएगा। इसके बाद 3-1 2 आएगा बेटा, 3-1 2 आ जाएगा। इनटू सी को करना है मुझे, तो सी देखें वो लिखा है 1 2 3 -4, 1 2 3 -4। और उसके बाद है मुझे लगता है ए को बी से मल्टीप्लाई करना है मुझे, आई एम सॉरी, यहाँ पर मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। देखो बेटा, बी की वैल्यू है 1302, 1302, और लास्ट में है -14, -1a4, ए बी की वैल्यू ऐसे निकलेगी। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई फिर तो हम, मल्टीप्लाई करने में देखो फिर से वही प्रोसेस तो वही रहेगा ना मल्टीप्लिकेशन का। अगर प्रोसेस वही है तो आपको करना ये है कि इसका फर्स्ट रो लेना है और सारे कॉलम्स में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसका ये फर्स्ट रो ले लेंगे, पहले इस कॉलम में करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, -1 को -1 से करेंगे +1। अब इस रो को इस कॉलम से करिए तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 बनेगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 बन जाएगा, -1 को 4 से करेंगे -4 बन जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, अब सेकेंड रो को यहाँ से लेना है और फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 2 को 1 से किया 2, 0 को 0 से कर देंगे 0, 3 को -1 से करेंगे -3। अब इसी रो को इस कॉलम से करिए तो 2 को 3 से करेंगे 6, 0 को 2 से करेंगे तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, 3 को 4 से करेंगे बेटा तो ये 12 आ जाएगा। ओके, अब थर्ड रो की बारी आ गई है जिसे मुझे सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम में से करना है। अब देखो पहले इस रो को इस कॉलम से करिए, 3 को 1 से करिए 3, -1 को 0 से करिए 0, 2 को -1 से करेंगे -2। अब इसको इससे करें, 3 को 3 से करा 9, -1 को 2 से करेंगे -2, 2 को 4 से करेंगे दिस विल बिकम 8, ऐसे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2 बनेगा, 3 to 5 -4 1, 2 - 3 दिस इज -1, 6 + 12 = 18, 2 3 - 2 दिस इज 1, 9 8 17 - 2 15। ये एक मैट्रिक्स आ गई, इसका ऑर्डर आया 3 × 2 का, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से 3 × 2 का ऑर्डर आ गया है, और यहां दिख भी रहा है कि ये मैच करते हैं तो 3 × 2 ऑर्डर आएगा। अब ए बी निकाल लिया, अब सी से इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ए बी इंटू सी चाहिए ना मुझे। तो अभी आप देखें, 9 ए बी इंटू सी, अब देखना ये कि क्या ए बी का सी से मल्टीप्लाई हो सकता है। ए बी का ऑर्डर 3 × 2 है, मतलब 2 कॉलम्स हैं इसमें, और सी में देखो 2 रोज हैं, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई तो हो सकता है, एग्जिस्ट करता है, तो करते हैं फिर मल्टीप्लाई। देखिए अब मल्टीप्लाई में ये करना पड़ेगा, मुझे ए बी की वैल्यू पहले लेनी पड़ेगी। ए बी की वैल्यू बेटा आई है 2 1 -1 18 1 15, ऐसे इंटू सी लिख देंगे, सी की वैल्यू नोट करेंगे, देखो वहां से 1 2 3 -4, 1 2 3 -4। इसके बाद 2 0 - 2 1, 2 0 - 2 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे 2, इसको इससे करिए, 2 को 2 से कर दीजिए 4, 1 को 0 से 0, अब इसको इससे करेंगे, 2 3 6, 1 को -1 से कर देंगे तो -1 आ जाएगा। बेटा यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में इस जगह पर जो नंबर ये लिखा हुआ है 1, यहाँ पर बेटा -2 है, मैंने गलती से उसको -1 लिख लिया था, 2 0 - 2 1 है, तो 2 0 - 2 1 है, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था तो मैंने चेक कर लिया है इसको, अभी कर लीजिए, 2 को 3 से करा 2 3 6 और ये -2,
फिर 2 माइनस 8 और प्लस 1। अब इसका तो मैंने सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस रो की बारी है, इसको सारे कॉलम में करिए। माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस 1, 18 को 2 से करेंगे तो 18 टू ज़ा 36। भाई माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस 1 आया, 18 टू ज़ा 36। इसके बाद इसको सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम से करिए, तो 1 को माइनस 2 से किया माइनस 2, 18 को 0 से कर दिया, ये पूरा 0 आ गया, देखिए ठीक है। इसके बाद इसको इस कॉलम से करिए, माइनस 1 को 3 से करिए माइनस 3, 18 को माइनस 2 से करिए माइनस 36। सेकेंड रो को लास्ट कॉलम से करिए, माइनस 1 को माइनस 4 से किया प्लस 4, 18 को 1 से करेंगे 18 आ जाएगा। अब इस वाले रो की बारी आ गई, इसको सारे कॉलम में करिए। 115 को 12 से, तो 1 को 1 से किया 1, 15 टू ज़ा 30। फिर 115 को इससे करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे 2 प्लस 0। फिर 115 को 3 माइनस 2 से करेंगे तो 3 माइनस 30, 3 माइनस 30। 115 को माइनस 4 1 से करेंगे, 1 को माइनस 4 से करेंगे माइनस 4, 15 को 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपने निकाला है ए बी इंटू सी। देखिए अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 0 4, 6 माइनस 2 4, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, 36 माइनस 1 दिस इज 35, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 39, 422 दिस इज 31, दिस इज 2, माइनस 27 और ये 11 आ गया। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 4। अब ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू बेटा हमने अभी भी निकाली है ए बी इंटू सी की वैल्यू। यहाँ पर आपने जो लास्ट में निकाली थी, ये निकाली थी ए इंटू बी सी की वैल्यू आई हुई थी। आप दोनों को अगर चेक करेंगे, दोनों को अगर मैच करेंगे तो दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। देखो आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, 444 माइनस 7, 444 माइनस 7, 35 माइनस 2 माइनस 39 22, 35 माइनस 2 माइनस 39 22, 31 2 माइनस 27 11, 31 2 माइनस 27 11। दोनों को ऑर्डर भी सेम है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। देयरफोर वी कैन राइट हियर दैट, देयरफोर इट इज क्लियर दैट ए इंटू बी सी will be equal to AB into C. A into BC की जो वैल्यू आएगी बेटा वो AB into C के इक्वल आएगी। और आप देखें आपके क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था, देखें AB into C की वैल्यू A into BC के इक्वल लाना था आपको। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, प्रोसीजर डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन केवल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपका टाइम इसने ज़्यादा कंज्यूम किया है। नो प्रॉब्लम, आपको अगर मल्टीप्लीकेशन आता है सो इट इज़ वेरी इजी। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। आपके सामने आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए इसमें क्या है और मैं भी आपको बताता हूँ कि करना क्या है और क्या गिवेन है। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवेन है, एक मैट्रिक्स बी गिवेन है और एक मैट्रिक्स आपको सी गिवेन है यहाँ पर। ओके अब कह रहे हैं कैलकुलेट ए सी बी सी ए प्लस बी इंटू सी। आपको ये थ्री टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, ए सी फिर बी सी फिर ए प्लस बी इंटू सी। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो मेन टारगेट हमारा ए सी बी सी और ए प्लस बी इंटू सी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर इन्हें। सबसे पहले ए सी फाइंड आउट करेंगे हम, तो ए की वैल्यू देखो कितनी है, 067 067 ये लिख दिया मैंने। उसके बाद माइनस 608 माइनस 608 फिर 7 माइनस 8
जीरो। ये तो बेटा मैंने ए की वैल्यू लिख दी, और इसके साथ मुझे सी से मल्टीप्लाई करना है, तो सी की वैल्यू देखो 2 - 2 - 3, ये मैंने लिख दिया। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसका जो ऑर्डर है ए का, मैं यहीं पर लिख देता हूँ सीधे, ए का ऑर्डर है 3 × 3 का, बी का भी ऑर्डर है 3 × 3, पर सी का ऑर्डर है 3 × 1 का, क्योंकि 3 रोज है पर कॉलम इसमें एक ही है। ओके, तो अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, ए इंटू सी कर रहा हूं मैं, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम से करेंगे, 0 को 2 से करेंगे 0, 6 को -2 से करेंगे -12, 7 को 3 से करेंगे 21। अब और कोई कॉलम यहाँ पर है नहीं तो छोड़ दीजिए, अब इस सेकेंड रो को उठाइए इस कॉलम से करिए, -6 को 2 से करेंगे -12, 0 को -2 से करा 0, 8 को 3 से करेंगे 24। इसके बाद और कोई कॉलम है नहीं तो छोड़ दें, अब इस रो को उठा लें, कॉलम से करिए, 7 को 2 से करा 14, -2 × -2 16, 0 को 3 से करेंगे बेटा ये 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपको AC का जो वैल्यू मिलेगा बेटा, -12 + 21 दिस विल बिकम 9, 24 - 12 दिस विल बिकम 12, 14 + 16 दिस इज 30। तो ये बेटा वैल्यू किसकी आ गई, AC आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज BC। सो नाउ वी कैलकुलेट BC, सो इन प्लेस ऑफ B वी पुट द वैल्यू ऑफ B, दैट इज 0 1 1 1 0 2 and 1 2 0, मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स सी, द सी इज 2 - 2 and 3, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, सो सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो एंड दिस कॉलम, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 3 से करेंगे बेटा ये 3 हो जाएगा। अब बेटा सेकेंड रो की बारी आई, क्योंकि इसके पास बाकी कॉलम्स है नहीं, कोई दूसरा कॉलम है नहीं इसके पास, तो 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 0 को -2 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 3 से कर देंगे 6 हो जाएगा ये। ओके, अब इस वाली रो को इस कॉलम से करिए, 1 को 2 से करिए 2 आ जाएगा, 2 को -2 से करेंगे -4 आ जाएगा, 0 को 3 से कर देंगे बेटा तो 0 आ जाएगा। इस तरह से बेटा जो BC है हमारा, BC की वैल्यू आ गई मुझे 3 - 2 दिस इज 1, 6 + 2 = 8, -4 + 2 - 2 दिस इज BC। AC भी आ गया, BC भी आ गया, अब मुझे A + B × C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अभी A + B × C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें तो नाउ सबसे पहले A + B फाइंड आउट करते हैं, A और B को ऐड करके, A की वैल्यू बेटा देखो कितनी है, 0 - 6 - 7, -6 - 0 - 8, 7 - 8 - 0, और B की वैल्यू बेटा कितनी है देखो, B की वैल्यू है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। ऐसा करने से सबसे पहले मुझे A + B की वैल्यू मिल जाएगी, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, तो 0 के साथ 0 ऐड होगा 0, 6 के साथ 1 ऐड होगा 7, 7 के साथ 1 ऐड होगा 8, -6 + 1 दिस इज -5, 0 + 0 दिस इज 0, 8 + 2 दिस इज 10, 7 के साथ 1 ऐड होगा 8, -8 + 2 - 6, और 0 + 0 बेटा 0 आ जाएगा। ये A + B की वैल्यू आ गई, बट मुझे तो A + B × C चाहिए, तो अभी आप जा सकते हैं, दैट इज A + B × C को फाइंड आउट करने। A + B की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 - 7 - 8 - 5 - 0 - 10, 8 - 6 - 0, ये A + B है बेटा, और C से इसको मल्टीप्लाई होना है, C से फिर वही ले लो आप 2 - 2 - 3, ऐसे करिए मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का आपस में,
तो पहले इस रो को आप इस कॉलम से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से करेंगे 0, 7 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 14, 8 को 3 से कर देंगे 24, ओके। फिर अब इस रो को उठाइए, इस कॉलम से करिए, माइनस 5 को 2 से करेंगे माइनस 10, 0 को माइनस 2 से करेंगे 0, 10 को 3 से कर देंगे 30। अब इस वाली रो को इस कॉलम से करिए, 8 को 2 से करा 16, माइनस 6 को माइनस 2 से करेंगे 12, 0 को 3 से करेंगे तो बेटा ये 0 आ जाएगा। हाँ देखो, 0 को 3 से करेंगे, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 24 माइनस 14 दिस इज 10, 30 माइनस 10 दिस इज 20, एंड 16 प्लस 12 दिस विल बिकम 28। अब आप देखिए, ये a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू आ गई है, तो मैंने ए सी भी फाइंड आउट कर लिया, बी सी भी बना लिया, a प्लस बी इंटू सी भी बना लिया बेटा हमने, ठीक है ना। अभी मुझे ये वेरीफाई करना है कि a प्लस बी इंटू सी की जो वैल्यू है वो ए सी प्लस बी सी के इक्वल है, तो अभी मुझे ए सी प्लस बी सी फाइंड आउट करना चाहिए। ए सी प्लस बी सी, ए सी की वैल्यू बेटा देखो कितनी बनाई थी आपने, ए सी की वैल्यू 9, 12, 30 एंड प्लस बी सी, बी सी वी हैव ऑलरेडी फाउंड, दिस इज बी सी 1, 8 माइनस 2। सॉल्व करिए इसे, आप करिस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे, 9, 1, 10, 12, 8, 20 30 माइनस 2 इज 28, 10, 20, 28। आप यहां देखो 10, 20, 28 दिख रहा होगा आपको, और 10, 20, 28 ये तो a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू है ना, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू सी। इसका मतलब है जो ए सी प्लस बी सी है वो a प्लस बी इंटू सी के इक्वल है, देयरफोर इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट दिस ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और यही बेटा आपको इस क्वेश्चन में करना था। देखें, यही क्वेश्चन में दिया गया था कि ए सी बनाओ, बी सी बनाओ, बे प्लस बी प्लस सी भी बनाना था आपको, और वेरीफाई करना था कि ये इक्वल है या नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 18। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 18। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवेन है, और उन्होंने बोला है देन शो दैट ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यहां पर बेटा देखो जो ये लिखा रहता है, ये आप देखते होंगे, ये आपको जीरो जैसा भी नहीं लगता, आप इससे और इससे आप देखो मैच करिए, जीरो नहीं है, तो वो जीरो नहीं है, वो एक्चुअली ओ बना हुआ है, जो कि जीरो मैट्रिक्स का एक सिंबल होता है, ये जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है कि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो जीरो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ओके। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा पहले मुझे ए क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, तो निकालते हैं फिर ए क्यूब कैसे बनाया जाएगा, और ये तो बड़ा ईजी है बेटा ए क्यूब बनाना। कैसे, सबसे पहले मैं a को a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकालूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं a को a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं पानी पी लेता हूं जरा। ओके, आ जाते हैं, a की वैल्यू कितनी है देखो, 1, 2, 3, 3 माइनस 2, 1, 4, 2, 1, ये a लिख दिया। इसी के साथ मैं एक a और लिखूंगा, क्योंकि a को a से ही मल्टीप्लाई करना है। 1, 2, 3, 3 माइनस 2, 1, 4, 2, 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई करिए, पहले इस रो को पहले इस वाले कॉलम से करना है, तो 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 4 से करिएगा 12,
इसको इस कॉलम से करिए, वन को टू से करेंगे टू, टू को माइनस टू से करेंगे माइनस फोर, थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स। अब इसी रो को इस कॉलम से करिए, तो वन को थ्री से कर देंगे थ्री, टू को वन से करेंगे तो टू, थ्री को वन से करेंगे तो थ्री। उसके बाद अब इस वाली रो को ले लीजिए, सारे कॉलम से करिए, थ्री को वन से करेंगे थ्री, माइनस टू थ्री जा माइनस सिक्स, वन फोर जा फोर। अब इस रो को इस कॉलम से, थ्री टू जा सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, वन टू जा टू। अब इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस टू को वन से करा माइनस टू, वन को वन से करेंगे प्लस वन। अब लास्ट ये रो बची हुई है, इसको इस कॉलम से करिए पहले, फोर वन जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, वन फोर जा फोर। फिर फोर को टू से करेंगे एट, माइनस फोर प्लस टू। अब इसको इस कॉलम से करिएगा, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू वन जा टू प्लस वन। सॉल्व कर लें बेटा, तो यहाँ से आपको ए स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी, ए क्यूब नहीं मिलेगा, ए क्यूब अभी उसके बाद निकालेंगे हम। तो जब सॉल्व करोगे, सिक्स वन सेवन और ट्वेल्व नाइनटीन, सिक्स टू एट माइनस फोर फोर, थ्री टू फाइव थ्री एट, फोर थ्री सेवन माइनस सिक्स दिस इज वन, सिक्स फोर टेन और टू ट्वेल्व, नाइन माइनस टू सेवन प्लस वन दिस इज एट, फोर सिक्स टेन फोर फोर्टीन, एट माइनस फोर फोर प्लस टू सिक्स, ट्वेल्व एंड थ्री दिस इज फिफ्टीन। ये हमने ए स्क्वायर बना लिया। अब हमको करना क्या है, मुझे एक क्यूब तक पहुंचना है। तो अभी एक क्यूब तक फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे ये करना पड़ेगा, ए को मुझे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ए की जगह पर मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, सबसे पहले वन टू थ्री, थ्री माइनस टू वन, फोर टू वन, ये कर दिया मैंने। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर ये है नाइनटीन, फोर एट, वन ट्वेल्व एट, फोर्टीन सिक्स फिफ्टीन, ऐसा हुआ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए बेटा, देखो कैसे करिएगा। मैं नीचे लिख लेता हूँ, उधर मुझे लगता है कि शायद आ भी नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ लिखते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई इस रो को इस कॉलम से। वन को नाइनटीन से करा नाइनटीन, टू को वन से करेंगे बेटा टू, थ्री को फोर्टीन से करेंगे फोर्टीन, थ्री ज़ा फोर्टी टू, ठीक है। अब इस वाली रो को इस कॉलम से करिए, वन को फोर से करेंगे फोर, टू को ट्वेल्व से करेंगे ट्वेंटी फोर, थ्री को सिक्स से करेंगे एटीन, तो टू फोर ज़ा आई एम सॉरी, वन को फोर से फोर, टू को ट्वेल्व से ट्वेंटी फोर, थ्री को सिक्स से एटीन, ठीक है। अब इस वाली रो को इस कॉलम से कर लीजिए, वन को एट से करेंगे तो एट आएगा, टू को एट से करेंगे सिक्सटीन आएगा, थ्री को फिफ्टीन से करेंगे फोर्टी फाइव आएगा, तो एट सिक्सटीन फोर्टी फाइव, ओके। अब इस वाली रो को इस कॉलम से करिए, नाइनटीन थ्री ज़ा फिफ्टी सेवन, माइनस टू को वन से करेंगे तो माइनस टू, वन को फोर्टीन से करेंगे तो फोर्टीन। अब इसको इससे करिए, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, माइनस टू इंटू ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, थ्री को एट से करिए ट्वेंटी फोर, माइनस टू को एट से करिए माइनस सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, फोर को नाइनटीन से करना है, ये सेवेंटी सिक्स आएगा, टू को वन से करेंगे तो टू आ जाएगा, इसके बाद वन को फोर्टीन से कर देंगे तो ये फोर्टीन आ जाएगा, फिर फोर को फोर से करिए सिक्सटीन, टू को ट्वेल्व से करेंगे ट्वेंटी फोर, वन को सिक्स से करेंगे सिक्स आएगा, फिर फोर टू वन को इससे करेंगे फोर एट ज़ा थर्टी टू, टू को एट से करा सिक्सटीन, वन को फिफ्टीन से करेंगे तो प्यारे बच्चों फिफ्टीन आ जाएगा। और इस तरह से बेटा एक क्यूब की वैल्यू देखो क्या बनेगी, ऐड कर लो सबको, नाइनटीन और टू ट्वेंटी वन हो जाएगा, ट्वेंटी वन और फोर्टी टू,
तो आप ऐसे कर लो, 2 to 4 और 9, 13 कैरी 1, 1, 1, 2 और 4, 6 इसको ऐड करिए, तो 4, 4, 8 and 8, 16 कैरी 1, 1, 1, 2, 2, 4 फिर यहाँ ये 8, 6, 14, 5, 19, 9 कैरी 1, 1, 1, 2, 4, 6 इसको कर लेते हैं 57 minus 2 plus 14 तो 57 में 2 चले गए 55, अब 55 में 14 ऐड कर दीजिए आप, तो 5, 4, 9 और 5, 1, 6 यहाँ पर देखें आप, ये 24 में से 12 चले गए, माइनस 12 बचा, माइनस 12 प्लस 6 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आप देखें 24 में 16 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 में 15 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा। यहाँ आप देखें 6, 2, 8 और 4, 12 कैरी 1, 1, 7, 8 और 1, 9 यहाँ देखें 24, 6, 30 और 16, 46 यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 5, सो 2, 6, 8, 5, 13 कैरी 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 63 ये एक क्यूब की वैल्यू निकल करके हमको मिल गई। आपको उसके बाद माइनस 23 ए करना है, तो पहले 23 ए मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं 23 ए को निकाल देता हूँ, तो 23 लिखूँगा, एक ही जगह पर ए की वैल्यू लिखी जाएगी 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसके बाद 3 minus 2, 1, 3 minus 2, 1 और इसके बाद 4, 2, 1 करेंगे तो 4, 2, 1 ओके। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 23 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 23, दिस इज 23, 3 is 69 और 23, 4 is इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ जगह नहीं लिखने के लिए, तो ये आ जाएगा 4, 3 is 12, 4, 2 is 8, 1, 9 23, 2 is 46, minus 46, plus 46 23, 3 is 69, 23, 23 तो मैंने 23 ए की वैल्यू निकाल ली है, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। आप देखें यहाँ पर इसके बाद 40 i की भी आपको नीड रहेगी, तो 40 i निकाल लेते हैं। इसमें जो i आप देख रहे होंगे, यू नो वेरी वेल दैट i इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि हमारा ए 3 into 3 का मैट्रिक्स है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगे वो भी 3 into 3 का ही आपको लेना पड़ेगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा 40, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 40 ये आपका मिलेगा, तो ये 40 i आ गया। अब हमको देखो करना क्या था, हमको जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है, नाउ हम अपने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज ए क्यूब माइनस 23 है माइनस 40 i, ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 i। चलिए वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू लिखिए, ए क्यूब 63, 69, 92 46 minus 6, 46 इसके बाद 69, 23, 63 ये आ गया ए क्यूब हमारा 69, 23, 63 ठीक है ओके। इसके बाद माइनस 23 ए, माइनस 23 ए की वैल्यू ये बनाई है हमने 23, 69, 92 फिर 46 minus 46, 46, 69, 69, 23, 23 ये माइनस 40 i,
40 आई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ये आ गया पूरा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो देखिए पहले आप इसमें इसको माइनस कर दीजिए। देखो 63 में 23 माइनस हो जाएंगे बेटा, तो ये 40 बच जाएगा। 46 में 46 माइनस हो जाएंगे 0, 69 माइनस 69 दिस इज अगेन 0, 69 माइनस 69 दिस इज 0, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 46, तो माइनस 6 और प्लस 46 ये तो आ जाएगा प्लस 40 आ जाएगा बेटा ये। इसके बाद 23 माइनस 23 करेंगे दिस इज 0, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ बेटा। आप देखो 92 माइनस 92 दिस इज 0, 46 माइनस 46 दिस इज 0, 63 माइनस 23 दिस इज प्लस 40, और उसके बाद माइनस लगा हुआ है 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब आपको दिख रहा होगा बेटा ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, तो जब सेम मैट्रिसेस हैं इसमें इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज रिटेन बाई ओ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ। ये जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आ गया राइट हैंड साइड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 नंबर एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल्स में अगर देखेंगे तो एक एग्जाम्पल केवल और करना है आपको 19th नंबर, तो देखते हैं जरा उसको भी। एग्जाम्पल नंबर 19 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप थोड़ा गौर से देखिएगा इसको, मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways। तो वहाँ पर एक जो पॉलिटिकल टीम है, एक जो पॉलिटिकल ग्रुप है, वो हायर करता है, किसको हायर करता है, पब्लिक रिलेशंस फर्म, एक ऐसी फर्म को हायर करता है जो पब्लिक से रिलेशन, पब्लिक से मतलब उसके कॉन्टैक्ट करेगी, मतलब पॉलिटिकल आपकी पार्टी है, पॉलिटिकल कोई ग्रुप है, उसने एक ऐसी टीम को हायर किया है, एक ऐसी फर्म को हायर किया है जो पब्लिक से कॉन्टैक्ट करेगी टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट, उसके कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए, और इसके लिए वो वाली फर्म 3 ways को यूज करेगी, 3 तरह के रास्ते अपनाएगी। कौन कौन से? एक तो टेलीफोन के जरिए से वो कॉन्टैक्ट करेगी लोगों से, हाउस कॉल्स, घर में जाके कॉन्टैक्ट करेगी, और तीसरा जो होगा वो लेटर्स के जरिए से कॉन्टैक्ट करेगी। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे, एक कॉन्टैक्ट करने का जो कॉस्ट आएगा वो भी पैसे में, वो मैट्रिक्स ए में गिवेन है। इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 40 पैसे एक कॉन्टैक्ट का लगता है अगर टेलीफोन से कॉन्टैक्ट किया जाता है तो, 100 पैसे मीन्स 1 rupees लगते हैं अगर घर जाके लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाता है, 50 पैसे पर कॉन्टैक्ट का लगता है अगर लेटर का मीडियम हम यूज करते हैं तो, वो फर्म यूज करती है तो। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities एक्स एंड वाई इज गिवेन बाई, जो 2 cities हैं एक्स और वाई, उनमें जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट किए गए वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं। सिटी एक्स की अगर बात करें तो 1000 कॉन्टैक्ट टेलीफोन से किए गए, 500 हाउस कॉल घर जाके कॉन्टैक्ट हुए, 5000 लेटर के जरिए से कॉन्टैक्ट किए गए। वहीं सिटी वाई की अगर बात करें तो 3000 कॉन्टैक्ट टेलीफोन के माध्यम से हुए, 1000 हाउस कॉल और 10000 लेटर के जरिए से कॉन्टैक्ट हुए हैं। जाहिर सी बात है कि शायद ये जो सिटी वाई है ये ज़्यादा बड़ा सिटी होगा, हो सकता है तभी वहाँ कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा हुए हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाई द ग्रुप इन द 2 cities एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों सिटीज़ में वो जो
पॉलिटिकल ग्रुप है इसके द्वारा कितने पैसे टोटल खर्च किए जाते हैं ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कितना अमाउंट खर्च किया जाता है वो आपको फाइंड आउट करना है। और ये आप बड़े सिंपल वे से निकाल सकते हैं, आपको बस करना क्या है, ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, जो भी पॉसिबल हो। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ए का ऑर्डर जो है, ए का अगर ऑर्डर देखेंगे तो ये 3:1 का ऑर्डर है। अगर बी का बेटा ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर है आपका 2:3 का ऑर्डर, क्योंकि दो रोज है, 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करने जाता हूं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मीन्स ए बी एग्जिस्ट नहीं करता, ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। तो अगर बी ए पॉसिबल है तो वहां से भी आंसर आ सकता है आपका, देख लेते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं। बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ए में नंबर ऑफ रोज 3 है, इट मीन्स आप ए इंटू बी करके अपना आंसर नहीं बना सकते, लेकिन बी इंटू ए करके आप अपना आंसर बड़ी ईजिली बना सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर बी इंटू ए ही कर लेते हैं। एंड आई होप कि क्वेश्चन का क्या मीनिंग है समझ में आया। मैं एक बार फिर से जनरली ऐसे बता देता हूँ, एक पॉलिटिकल ग्रुप है, उसने एक पब्लिक से कॉन्टैक्ट करने वाली फर्म को हायर किया। वो फर्म क्या करती है, 3 तरह से लोगों से कॉन्टैक्ट बनाती है, टेलीफोन से भी, घर जाकर के भी कॉन्टैक्ट करती है, और लेटर के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट करती है। हर कॉन्टैक्ट का और हर मीडियम से उन्होंने पैसे दिए, कितने पैसे लगते हैं एक कॉन्टैक्ट का। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि दोनों सिटीज़ में कितने कितने कॉन्टैक्ट और किस मीडियम से किए गए हैं। अब मुझे टोटल अमाउंट पता लगाना है स्पेंट बाई द ग्रुप, तो उसके लिए मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप, स्पेंट बाय द ग्रुप, उस ग्रुप ने टोटल कितना अमाउंट स्पेंट किया है वो, जैसे कि मैंने देखा कि ए बी तो पॉसिबल नहीं था तो बी ए कर सकते हैं। बी की वैल्यू पहले मैं नोट कर दूंगा, दिस इज 1000, इसके बाद यहाँ पर 500, फिर 5000, ये आ रहा है यहाँ पर, तो इसको भी लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 1000, 500, 5000, फिर आप देखें 3000, 1000 और 10000। ये बी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू ये आप देख रहे हैं, और ये सारे के सारे पैसे में दिए गए हैं बेटा। हम चाहें तो हम इसे रुपयों में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग 100, 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, 40/100, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, 50/100 करेंगे तो 50/100। मैंने, आप जानते हो इन्होंने ये पैसे में दिए हुए थे ना, यहाँ लिखा हुआ देखो पैसे लिखे हुए, हमने इनको 100 से डिवाइड करके रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। ओके, चलिए अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इससे मुझे, तो 1000 को 40/100 से करेंगे, तो देखो 20 से 20 चले जाएंगे, 10/40 करेंगे 400 आ जाएगा, प्लस 500 को इससे करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 45 ज़ा 200, फिर इसके बाद इसको जब इससे करेंगे 20 कैंसिल हो जाएंगे, 50/40 करेंगे तो 2000 आ जाएगा, ठीक। अब इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देखिए 3000 को जब इससे करेंगे आप मल्टीप्लाई, आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ी कर दी है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको करेंगे 20 से 20 इसके चले जाएंगे, ये 400 आ जाएगा, प्लस अब इसको इससे करेंगे 500/1 से तो ये 500 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 20 चले जाएंगे, 50/50 ये 2500 हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 20 से 20 चले गए, 30/40 दिस इज 1200, इसमें 1000 आ ही जाएगा ये, प्लस 10000 को करेंगे 20 से 20 जाएंगे, 100/50 दिस इज 5000। बस आपने सॉल्व कर लेना है दोनों को, 400, 500, 2500, ये 3400 आ जाएगा।
इसको ऐड करेंगे 5,167,200, ये आ जाएगा। आप देखें ये किसके लिए है, ये सिटी एक्स के लिए है, ये सिटी वाई के लिए है। तो सिटी एक्स में जो वो फर्म थी या जो वो ग्रुप था जो खर्च कर रहा था, उसने क्या किया है, सिटी एक्स में उसका कितना पैसा टोटल खर्च होगा, तो सिटी एक्स में उसने टोटल 3,400 रुपीज़ खर्च किए हुए हैं और सिटी वाई में उसने 7,200 रुपीज़ खर्च किए हुए हैं। आप इसको देखेंगे तो आंसर आप जब मैच करेंगे तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। आप देखिए मैंने चेक किया अभी, इसका आंसर यही आ रहा है। नाउ आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आंसर बना सकते थे हम। अब अगर ए बी पॉसिबल नहीं था तो बी ए से कर सकते थे, तो मैंने बी ए से कर लिया। हाँ एक छोटी सी चीज़ मैंने ज़रूर करी थी, ये सब पैसे में दिया गया था तो मैंने रुपयों में कन्वर्ट करा 100 से डिवाइड करके सबको। ओके तो इस तरह से आपके 3.2 एक्सरसाइज से जो पहले क्वेश्चंस थे एग्जांपल्स, वो सारे एग्जांपल्स प्यारे बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको बखूबी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम एक्सरसाइज 3.2 से जो 2 के क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी आएंगे कुछ नई चीज़ों के साथ में। तो आज इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और चलते हुए हमेशा की तरह एक बार फिर से आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं सभी के लिए। इसलिए मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि प्लीज़ अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।